अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सरोज शाह। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग। ब्लॉटिंग एक ऐसा इशू है जो कि बहुत कॉमन है और हमें पता भी नहीं होता। अक्सर हमारा स्टमक ब्लॉटेड होता है। ब्लॉटिंग की जो बहुत बड़ी वजह है वो एक बहुत हमारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस की वजह से हमारा स्टमक मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉटेड रहता है और हमें लगता है कि शायद हमारा बेली फैट है। बेली फैट और ब्लॉटिंग आर टू डिफरेंट थिंग। कुछ ऐसी हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर हम खत्म कर दें तो हमारा स्टमक बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टमक पे जो सारा आपको फील हो रहा होता है कि ये बेली फैट है, वो बेली फैट नहीं होता बेसिकली, वो आपका स्टमक ब्लॉटेड होता है, यानी कि आपके पेट में स्टमक में गैस जमा हुई होती है। जब आप इन प्रैक्टिसेस को खत्म कर देंगे जो मैं आपसे भी आगे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपका स्टमक दिखना बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इन प्रैक्टिसेस के साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जिनको करने से ब्लॉटिंग काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस मैं आपको फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजंस हैं जिनसे ब्लॉटिंग होती है और उनको हमने ओवरकम कैसे करना होता है। तो सबसे पहली रीजन आ जाती है, वो है ओवर ईटिंग। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं। ओवर ईट का मतलब ये है कि हम एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, यानी कि हमारी हैवी मील्स हो जाती हैं। जैसे पूरा दिन कुछ ना खाया और फिर शाम को या रात को डिनर जब किया तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लिया, बहुत ज़्यादा एकदम से खा लिया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्टमक ब्लॉटेड हो जाता है। इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो आप ये करें कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें इंस्टेड के आप एक बड़ा हैवी मील लें। वो रीज़न हो सकती है आपकी ब्लॉटिंग की। उसको छोड़ के आप, ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, आप कोशिश करें कि आप क्या लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। ओवर ईट नहीं करना, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। अच्छा, अब सेकेंड चीज़ जो आ जाती है वो है नॉट च्यूइंग द फूड। मीन्स के आप अपना फूड च्यू नहीं करते। यू फील वेरी हंग्री एंड देन यू जस्ट सोलो योर फूड। आप उसको च्यू ही नहीं करते। जब हम फूड को च्यू नहीं करते तो जो हमारा स्टमक है तो भी ब्लॉटेड हो जाता है, क्योंकि जब हम फूड को अच्छी तरह च्यू करेंगे तो हमारे स्लाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड के ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप अपने फूड को अच्छी तरह च्यू करेंगे तो आपके गट पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप फूड को जस्ट सोलो कर रहे हैं तो जाहिर है आपके गट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस फूड की ब्रेकडाउन में, क्योंकि वो फूड जहाँ पे उसने स्लाइवा के एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन करना था वो प्रोसेस से तो वो गुजरा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको बस इतना प्रॉपरली च्यू नहीं किया और आपने इसको बस निगल लिया। ये तो जैसे कि हमारी सुन्नत में भी है कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए। तो इन सब बातों के पीछे, जैसे अब आजकल साइंस भी इन चीज़ों को मानने लग गई है, तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होती है। तो खाना अगर जब हम च्यू करके नहीं खाते तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है ब्लॉटिंग की। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है ईटिंग टू फास्ट। लाइक आप बहुत तेज़ी से खाना खा रहे हैं, ठीक है। जब आप खाना तेज़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से खा रहे हैं तो ऑब्वियसली खाना आपका च्यू नहीं होगा। एक तो खाना आप च्यू नहीं करेंगे, सेकेंडली जब आप खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं तो साथ आप जो है एयर, जो हवा होती है वो भी सोलो कर लेते हैं। तो जब आप क्या कहते हैं एयर को सोलो कर रहे हैं तो वो फिर आपके स्टमक में जाके ब्लॉटिंग का बाइस बनती है। इसलिए खाने को आपने आराम आराम से खाना है, बहुत तेज़ी से नहीं खाना। अच्छा, अब बात चौथी चीज़ आ जाती है, फोर्थ जो चीज़ आ जाती है वो है ड्रिंकिंग टू मच वाटर वाइल ईटिंग। खाने के दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। खाने के दौरान कोशिश करें कि कम से कम पानी पिए। खाने के शुरू में पानी पी लें और खाने के बीच में पानी पी लें। खाने के एंड पे बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। वैसे भी जब भी हम पानी पीते हैं हमारा जो किडनी है वो एक घंटे में दो या तीन ग्लास ज़्यादा फिल्टर नहीं करती। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने की। जब खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा जो स्टमक का एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है और ये भी एक रीज़न है कि आपको ब्लॉटिंग हो जाती है। ब्लॉटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको खुद भी नहीं फील होता, लेकिन वो पेट में गुबार से बनना, गैस फील होना या फिर बहुत फूला हुआ अपना पेट लगना, लोगों को लगता है कि शायद ये बेली फैट है, लेकिन वो बेली फैट नहीं होता, वो आपका ब्लॉटेड स्टमक होता है। तो जब आप खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उससे भी आपका स्टमक इसे डाइल्यूट हो जाता है और फिर एक ब्लॉटिंग की वजह बनती है। अच्छा, पांचवी चीज़ जो आ जाती है वो है वाटर रिटेंशन, यानी कि आपकी बॉडी में पानी ठहर जाता है। उस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक तो पहले ही बॉडी में इतना ज़्यादा पानी है, वाटर रिटेंशन हुई है, और फिर से पानी पीने से किस तरह से चीज़ ठीक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो जो आपका बॉडी में एक्सेस सोडियम होता है और एक्सेस वाटर होता है वो उसको फ्लश आउट कर देता है पानी जब आप पीते हैं उसको। तो कोशिश करें कि कम से कम भी दिन में लाजमी तौर पे 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी इस्तेमाल करें।
बाद छठी चीज आ जाती है वो है ड्रिंकिंग सोडा वाटर, यानी कि सोडा वाटर या सोडा ड्रिंक्स या जो भी आपकी फ्रिजी ड्रिंक्स होती हैं उनको पीने से भी गैस हो जाती है। क्योंकि कोशिश करें अगर आपने पीनी भी है तो पिए, लेकिन आप जो उसके स्ट्रॉ वाली जो प्रैक्टिस है, स्ट्रॉ का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, एयर को भी साथ साथ आप सॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉ को आप सक कर रहे हैं तो साथ साथ एयर भी आपकी बॉडी में जाएगी। जब एयर आपकी बॉडी में जा रही है, एयर को आप सॉलो कर रहे हैं, तो आपका स्टमक डेफिनेटली ब्लॉटेड होगा और आपका एक बलून बन जाएगा स्टमक में। तो कोशिश करें कि एक तो इन फ्रिजी ड्रिंक से, सोडा ड्रिंक से, क्योंकि इनमें ऑलरेडी गैस होती है, अगर आपको गैस का इशू है तो आप कोशिश करें कि इसे अवॉइड करें। और अगर पीना भी है तो इसको नॉर्मल, जैसे हम पानी इस तरह से ग्लास के थ्रू पीते हैं, उस तरह पिए, इंस्टेड के आप उसको स्ट्रॉ से सप करें। उसके बाद जो सातवीं चीज़ आ जाती है वो है वॉच योर सोल्ट, यानी कि अगर आपकी बॉडी में आप बहुत ज़्यादा सोडियम रिच फूड ले रहे हैं, या आप आपकी बहुत प्रैक्टिस है तेज़ नमक खाने की, या खाने के ऊपर से आप लोग नमक डाल लेते हैं, तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। फिर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, यानी कि पानी आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी तो फिर इट्स ऑब्वियस कि आपकी बॉडी ब्लॉटेड भी होगी, आपका स्टमक ब्लॉटेड होगा। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। आप पूरे दिन में 1 टीस्पून सॉल्ट ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनको कोई हाइपरटेंशन या बीपी का कोई मसला नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम रिच फूड ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करें, उससे फिर आपकी वाटर रिटेंशन होती है जिसकी वजह से आपका स्टमक ब्लॉटेड हो जाता है। इसके बाद जो नौवीं चीज़ आती है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनको भी अक्सर गैस का मसला रहता है, उनका स्टमक भी ब्लॉटेड रहता है। कॉन्स्टिपेशन तो वैसे ही एक बहुत बीमारियों की जड़ है, मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड है तो फौरन आप इसका ट्रीट करें। आपकी डाइट में फाइबर रिच फूड होने चाहिए, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे उतने ही कम आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट पर सबसे चीज़ आती है, यानी कि 10th नंबर पर, वो है च्युइंगम, यानी कि जब हम एक बबल गम या हम इसको च्यू करते हैं तो हम साथ साथ फिर एयर को भी सोलो कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है च्युइंगम की या बहुत ज़्यादा हैबिट है, वो लोग मतलब चलते फिरते च्युइंगम खाते हैं, तो उनमें ये डेफिनेटली ब्लॉटिंग का इशू रहता है। क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, बस आपके स्टमक में और कुछ भी नहीं जा रहा होता, लेकिन मुसलसल आपका स्टमक वर्कआउट कर रहा होता है, तो वो फिर एयर को साथ साथ सोलो कर रहा होता है। जब एयर को सोलो कर रहा है तो फिर उससे भी ब्लॉटिंग होती है। तो इन प्रैक्टिसेस को आप अगर करेंगे अवॉइड, तो आप काफ़ी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक नहीं, डेफिनेटली आप ब्लॉटिंग से बच सकते हैं। और ब्लॉटिंग होना कोई अच्छी बात नहीं है, कोशिश करें कि इन अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को हेल्दी प्रैक्टिसेस में चेंज कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मतलब बॉडी को नुकसान हो रहा होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आप लोग क्या गलतियाँ करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो इनको अवॉइड कीजिए। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। और यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको उनके कैसे रिजल्ट नजर आते हैं। थैंक यू।